यस स्टार्ट करते हैं जेई मेंस थर्ड सितंबर शिफ्ट वन का पेपर। पूरी कोशिश है कि क्वेश्चन में एक्यूरेसी काफी हाई रहे, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाता हूं कि जब तक सारे क्वेश्चन ऐसा लगे कि, क्योंकि सब आप लोग भेजते हो उस कलेक्शन के बाद कई सारे प्लस माइनस के बाद समझ में आता है कि हाँ ये हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा डिले होता है। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरी पूरी कोशिश दो चीजों की होती है, एक तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेक्ट हो, दूसरा कैसे आप उनको सिंपल तरीके से करें। आपको खुद भी समझ में आएगा कि ये एक डिफरेंट अप्रोच हो सकती है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, और यही मेरा एक्चुअल में पढ़ाने का तरीका भी। मेरा हमेशा मानना है कि इतना कंसेप्ट बना के पढ़ो कि टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको सिंपल लगने लगे, सिलेक्शन प्रॉपर हो, ऑप्शन का रिजेक्शन आना चाहिए। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले सेशन के साथ साथ 3 सितंबर के पहले, अगर 2 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर नहीं देखे तो एक बार उनका सॉल्यूशन जरूर देखिए। आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड अप्रोच के साथ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे और आप समझ भी पाएंगे। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट वन का पेपर है, जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। -π2 π माइनस, इसी तरह का एक क्वेश्चन, मतलब पेपर में सिमिलरिटी तो बहुत रहती है, डेटा ही चेंज होता है। अब आपको पता है कि -π से +π में, मतलब -a से +a में, अब मैं आपको साथ में प्रॉपर्टी बताऊंगा, पर मैं ये बिल्कुल कोशिश करूंगा कि नेट less than 30 मिनट में आपके साथ पेपर का डिस्कशन हो। आप खुद भी देखेंगे कैलकुलेशन टाइम जो होगा पढ़ाने वाला वो 30 मिनट से कम का ही होगा। तो -a2 + a में अगर इवन फंक्शन है तो आपने पढ़ा ये 2 टाइम्स होता है, जितना ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूं तो आपने डायरेक्टली लिखा 2 टाइम्स 0 to π। अब 0 से π पूरा पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो π - x। अच्छा 0 से π में आपको पता है लोअर लिमिट से वैल्यू अबव होती है अपर से कम, तो ये पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो जो दिख रहा वैसे ही ओपन होगा। तो π x - x² / 2 0 to π रखिए, तो π² - π² / 2, यानी नेट आंसर इज π² देन दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से, और मैं इस पेपर में जो क्वेश्चन है मेरे पास उसमें अगर कहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहा है, हम उसको सेकंड स्टेप में कर लेंगे। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। जैसे ये देखिए, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट 1 by 1 रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड, द प्रॉपर्टी दैट फर्स्ट 2 बॉल इज ग्रीन। थर्ड बॉल तो रेड है, पहली 2 ग्रीन हो, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब इसका एक सिंपल अप्रोच बताता हूं और एक जो लॉन्ग मेथड है। अब आपको बस यहीं पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चेंज होता है और यहीं पर आपका अपना डेवलपमेंट होता है। देखिए थर्ड रेड है, श्योर है इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, पर अगर थर्ड रेड है तो पहली 2 बॉलों में हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करें। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया भी ऐसे केस में, आप रिवर्स ऑर्डर सोचो कि थर्ड तो निकल गई रेड, अब मेरे पास जो रेड है वो है 5 रेड हो गई और 10 ग्रीन हो गई। तो सिंपल वे ये होगा कि पहली ग्रीन 10 में से आए और अगली 9 में से आए आउट ऑफ 14। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये आपने कैंसिल किया 5 से 3 टाइम, ये कैंसिल किया सॉरी 5 से किया 2 टाइम, ये हो गया 3, ये हो गया देखो 3, ये हो गया 7, तो आंसर आ गया 3/7। अप्रोच नंबर 1। दूसरी अप्रोच आप ये कर सकते थे, अच्छा क्या होता है कि आप ये कर सकते थे ग्रीन ग्रीन रेड रेड का, खैर सबका सेम आता, ग्रीन रेड रेड ऐसे सब केसेस बनाते, फिर रेड ग्रीन रेड और फिर उसमें ऊपर लेते फर्स्ट 2 बॉल ग्रीन आई, तो इसमें टाइम लग जाता। ये आपकी सिंप्लीफाइड अप्रोच हो गई। राइट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, 2 power 1/2 + 5 power 1/8 की होल पावर एन हैज 33 इंटीग्रल टर्म। ठीक है, अब तक आपको इंटीग्रल टर्म बताने होते थे, इस बार इंटीग्रल टर्म दिए। बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है, ये जो दिया होता है इसका एलसीएम ले लो, तो 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, एन जो भी होगा उसमें 8 का डिवाइड करिए +1 कर दीजिए। देखिए कौन सा 8 का डिवाइड वाला है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बिना डिवाइड करे ही बता सकते थे, बाकी अभी कर लेते। 256/8 = 32 + 1, दिस इज 33। बट कई बार देखो आपको छोटी सी चीज है आपका डिवाइड तक बच गया, तो मेरा यह मानना है कि आपका पढ़ने का बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट बना के पढ़ो, आपके 12th 11th में भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, जेई में भी अच्छा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है।
इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज टू, ठीक है, हाइपरबोला के ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ है रूट टू, मतलब ए 1/√2 है, ओके और क्या बोला है, द फोकस ऑफ एलिप्स 3x² + 4y² = 12 एंड हाइपरबोला कॉन्सेंट, मतलब एलिप्स का जो फोकस है वो और हाइपरबोला का जो फोकस है वो सेम है बेटा, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। अब हाइपरबोला का फोकस क्या है पहले हम देख लें, सारी कंसेप्ट ही उससे क्लियर हो जाएगा। तो ई पहले निकालो, 1 - 3/4, दिस इज 1/2, तो फोकस हो गया 2 × 2 1, 0 है ना, यहां पर आपको पता है ए ई कॉमा 0 = 1, 0, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, तो आप निकाल चुके हैं 1/√2, E = 1, देन E = √2। रेक्टेंगुलर का इसेंट्रिसिटी √2 है। अब यहां पर आके कोई बच्चा फिर बी निकाल रहा है, ये सब कर रहा है, नो नीड, जैसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 आई, आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा जब भी होता है जबकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, इसीलिए होता ना ए और बी इक्वल हो जाते हैं, जब भी √2 होती तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई, x² - y² = a² यानी 1/2। अब जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बोला ना नॉट लाइंग इन द हाइपरबोला, वो करेक्ट है। अब जैसे ऑप्शन ए पे जाएं तो क्या होगा, अब हो सकता है ऑप्शन में थोड़ा कुछ वो हो, 3/2 - 1/2, 2/2 1, ये नहीं कर रहा, ये हो सकता है, जैसे आप ये रख के देख लें तो 1/2 - ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो ये हो गया। अब हो सकता है ऑप्शन आगे पीछे, तो आप कितने आसानी से चेक कर सकते थे, जो नहीं कर रहा वो है, बाकी तो कर रहे होंगे, देखो ये कर रहा होगा, 1 - 1/2 = 1/2। तो जब भी, अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नॉट, कई बार नॉट पे ध्यान नहीं जाता, एकदम से जल्दी में ये आंसर लगा देते हैं जो सेटिस्फाई कर रहा है, हमें जो सेटिस्फाई कर रहा है वो नहीं, जो नहीं कर रहा वो आंसर लगाना है, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, गिवन a = x(1, 1, 0) लेट a^4 aij, ठीक है, a^4 aij मतलब क्या दिया, a(1, 1) तो ये 1, 1 ही होता है, 1, 0, 9, ये a(1, 2) होता है, a(1, 3), a(2, 2), ये पूछा है आपसे, ओके तो a(2, 2) पूछा है, a की वैल्यू इससे कंपेयर करके निकालना पड़ेगा, a4 मतलब आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, a² × a² तो पहले बताइए a² क्या होगा, कम से कम स्टेप में कोशिश करिएगा करने के लिए, a² क्या होगा, x(1, 1, 0) × x(1, 1, 0) करिए मल्टीप्लाई इस रो का इस कॉलम के साथ, तो x² + 1, मुझे इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे इससे और इससे मतलब है, अब बताइए इधर इस रो का जब इस कॉलम के साथ आएगा तो 1 मिलेगा, यहां जो भी आया वो छोड़ दो, यहां हम कट कर देते हैं, एक्स नहीं है छोड़ दिया, लिव दिस। अब आप मुझे बताइए एक तरह से, अच्छा यहां पर जरूरत पड़ जाएगी हमें क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा कर लेते हैं बाद में छोड़ देंगे, x² + 1 यहां पर इसका किया तो x आया, फिर इसके साथ किया तो भी x आया, और इसके साथ किया तो देखिए क्या आ जाएगा, 1। तो अब आप जब a² × a² लिखेंगे ऐसा मत करना a³ करने लगो फिर निकालो, छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आपको एकदम से आपको माइंड क्लिक करना चाहिए कि हाँ क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका इस कॉलम से हुआ और डायरेक्ट कंपेयर 109 से कर लेंगे, तो x² + 1 का होल स्क्वायर + x² = 109, ओके, और इसका जब इस कॉलम से होगा तो मिलेगा बेटा, है ना, इसका इस कॉलम से होगा तो ये वाला प्लेस आएगा, तो कितना आ जाएगा, x² + 1 = अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम, तो x की वैल्यू क्या आएगी उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, तो देखिए क्या करते हैं, अगर x² को थोड़ी देर के लिए हम y मान लें, तो y + 1 का स्क्वायर, तो y² + 2y + 1 + y = 109, ओके बताइए क्या होगा, तो y² + 3y - 108 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, 12 लाइन जा, यस y + 12 * y - 9 = 0, तो y मतलब x² + 12 = 0 और x² - 9 = 0, यानी x² की वैल्यू 9 आ गई, ये हो नहीं सकती इमेजिनरी, तो 9 + 1 कितना होता बेटा, 10, ये आ गया आंसर 10। अब
आप पहले ए निकालो, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ऐसा करो। छोटी छोटी स्मार्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट कैलकुलेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर वो है तो आप मान के चलो कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। मैंने आपको जो ट्रिक बताई इनको यूज करते हैं हम। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय फोर। ओके, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने बोला था सर इनफैक्ट इसी फॉर्म में दिया था, नहीं भी दिया तो इसका मल्टीप्लाई ही है ऊपर एक्स की पावर एट। वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। एक मैंने कंसेप्ट बताया था एक्स टेंस टू जीरो पे साइन एक्स को सीधा एक्स और साइन पावर एन एक्स को एक्स पावर एन लिख दे, है ना। तो ये होगा कितना, टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फोर। ऐसा लिखोगे ना, पहले लिख लो चाहो तो गड़बड़ ना हो, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फोर इंटू टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय सिक्स एट। सॉरी क्यों एट बताओ, क्योंकि इसका डिवाइड हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एट अपॉन एक्स पावर एट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। टू यहां से मिला एक्स पावर फोर बाय सिक्सटीन क्योंकि स्क्वायर था, यहां से मिला टू, यहां से मिला एक्स पावर फोर बाय सिक्सटी फोर। नीचे का एक्स पावर एट कैंसिल होना था, वो तय था टू पावर माइनस के। देखिए ये कैंसिल, ये टू से फोर कैंसिल, तो ये 256 हो गया, यानी टू पावर एट इक्वल टू टू पावर माइनस के, है ना। और वो भी माइनस एट होगा क्योंकि ऊपर गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, एट। एट इज अ राइट आंसर। सही टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक, डिफरेंट अप्रोच आपको बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाती है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप हर तरह के पेपर के सॉल्यूशन जो मैं ले रहा हूं जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, द सम ऑफ द सीरीज। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक सेकेंड में लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ऊपर ये दिया नीचे ये दिया, दोनों में 51 टर्म है, आंसर बड़ा छोटा सा है, कुछ ना कुछ कैंसिल होना। अच्छा एक चीज समझिए, जैसे आपको दिया है NP1, जैसे ये दिया है ना बेटा, देखना मैं आपको आइडिया देता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको देखो, 2 1P01 माइनस 3 इंटू 2P1 यानी कितना, फैक्टोरियल 2 तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा बेटा। फिर प्लस 4 3P2 3P2। देखो NCR क्या होता है ये बताइए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर आपको इन दोनों में केवल वन का ही डिफरेंस है तो नीचे हमेशा फैक्टोरियल वन आएगा, तो ऊपर वही फैक्टोरियल आएगा, नहीं ये फैक्टोरियल थ्री आएगा, पर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फैक्टोरियल फोर। अब थोड़ा से लॉजिक्स देखो कि ये फैक्टोरियल फोर है, ये माइनस का, सब कुछ कैंसिल होना तय, ये इससे कैंसिल होने वाला है। अब हमारे पास यहां पर केवल एक टू है और यहां पर यह है वन माइनस टू, तो एक चीज बताइए कि ये टू से ये टू कैंसिल हो गया तो ये वन बच गया। अगर वन देखें तो यहां हो गया। अच्छा दूसरा कि यहां पर वन में वन है, टू में टू है, थ्री में थ्री है, फोर में फोर है, तो यहां फैक्टोरियल 51 होगा और वो भी प्लस का ही होगा। इसका मतलब ये हो गया। और यहां पर जब जाएंगे आप तो ये पी जीरो से लेके 51 टर्म तक है, यानी यहां पर देखिए एक बात याद रखिए, ये कितना लिखा बेटा, अगर मैं देखूं ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो 51 टर्म में इसमें आएगा 52 और आउट पे माइनस है, तो 52 इंटू 51P50, तो यानी यहां पर बच जाएगा फैक्टोरियल 52। तो बस मुझे आंसर मिल गया, 1 प्लस फैक्टोरियल 52 हो गया, 1 प्लस फैक्टोरियल 52। टर्म दोनों में सेम है, बस अंतर क्या हुआ कि यहां पर आप चलते गए। अच्छा ये जहां पर भी ऑड नंबर है वहां पर माइनस है और जहां इवन है वहां पर प्लस है, तो देखो यहां पर माइनस 5 है, इवन है तो प्लस है, इसलिए प्लस का आएगा, तो 1 प्लस फैक्टोरियल 52। अब आप चाहो तो और अच्छे से लिख के कर लो, मैंने आपको आंसर तो निकाल ही दिया, सबसे पहला काम होता है आंसर देना। अब देखिए क्या लिखते हैं आप, यहां लिखते हैं 2 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 5, ऐसे चलते जाते प्लस फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 7 एंड लास्ट इज फैक्टोरियल 52। जो भी टर्म है उससे एक ज्यादा मिल रहा है याद रखना। देखो सेकंड में 3 है, थर्ड में 4 है, तो 51 में फैक्टोरियल 52 होगा, खत्म। और यहां तो आपको दिख ही रहा है
क्या है, 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4, और ऐसे चलते जाओगे तो प्लस फैक्टोरियल 51, इसके आगे माइनस फैक्टोरियल 51 होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, सब केवल ये 1 और ये फैक्टोरियल 52 बच जाएगा। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एम दिया है बोथ रूट्स ऑफ इज रियल एंड बी दिया है -3 to 5, विच वन इज द फॉलोइंग इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है या राइट है ये अभी पता चल जाएगा, ऐसा कुछ पूछा है इसमें, कौन सा रॉन्ग है। अब एक बार बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 4, आपको बोला है रूट्स आर रियल तो डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करिए फटाफट सॉल्व। तो एम स्क्वायर माइनस 2m, क्योंकि 2m प्लस का और माइनस का 4m, एंड माइनस 15, तो 15 तो 5 3 जा एम माइनस 5 एम प्लस 3, तो इसके नंबर लाइन पे रूट्स मिल गए। ये ग्रेटर देन 0 है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, एंड 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ए का सॉल्यूशन तो ये माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन ऑफ 5 टू इंफिनिटी, ये ए का सॉल्यूशन है। और बी मुझे केवल दिया है क्या, माइनस 3 से 5। तो अगर मैं इसके बेन डायग्राम से समझूं तो जो चीज ए में है वही चीज बी की छूटी, केवल माइनस 3 5 कॉमन है। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो माइनस 3 हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे ए यूनियन बी मिला के बोला जाए तो ए यूनियन बी अगर मिला ले तो रियल ये भी होगा, है ना। अगर बी में से ए को सबट्रैक्ट करें तो कॉमन चीज माइनस 3 और माइनस 5 भी मिलेगी, क्योंकि आप मतलब ये इसी बीच का इंटरवल मिलेगा, तो ये सब सही है तो यही गलत होगा। वैसे भी ये ए माइनस बी बोला है तो ए में से बी को छोड़ना है ना, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक हो गया कि ए माइनस ऑफ बी, तो इसमें 3 कॉमन था इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो ये सिंपल से तरीके से क्वेश्चन हो गया, पर इसको आप चाहते तो बाद में भी कर सकते थे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बाद में आते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे अभी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स, देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, लिमिट को जो मैंने तरीका बताया लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, आप हमेशा याद रखिए आपको 0 पर है तो एक बार 0 प्लस एच ले लो, एक बार 0 माइनस एच, बस। तो 0 प्लस एच में याद रखिएगा एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है और माइनस एच का माइनस 1, बस ये मत भूलना, क्यों, क्योंकि ये माइनस एच है ना, तो ये ऐसा होगा माइनस 0.0001, तो इसका आंसर 0 नहीं माइनस 1। अब जैसे 0 प्लस एच में लिखूं तो 1 माइनस एच प्लस 0 अपॉन लेमडा माइनस एच, यस और नो, वो तो 0 हो गया, तो ओवरऑल बच्चा एक तरह से 1 अपॉन मॉड लेमडा। 0 माइनस एच की बात करूं तो 1 माइनस माइनस प्लस, पर ये माइनस 1 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, 1 ये हो गया 1, 0 माइनस एच तो ये प्लस एच हो जाएगा, और ये मॉड है तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। अच्छा नीचे आए तो लेमडा ये हो गया प्लस एच और ये हो गया माइनस 1, एक तरह से आपको ऐसा मिला 1 प्लस एच अपॉन लेमडा प्लस एच माइनस 1, एच की जगह 0 रख दो तो इसका रिजल्ट मिला 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। अब ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि कंटिन्यूस दिया हुआ है, फंक्शन है ना 0 to 1, तो अब अगर कंटिन्यूस दिया है तो एक बार बताइए आप ऐसा बोल सकते हैं मॉड लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लो तो माइनस लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1 या लेमडा इक्वल टू 1/2, ये 1/2 यहां रखना मत भूलना नहीं तो गलती हो जाएगी, तो 2, तो करेक्ट आंसर इज 2, ये नहीं होगा गलती से, ये मत लगा देना, मिस्टेक क्या होती है वो भी पता होना चाहिए। अब मैंने आपको कितना सिंपल तरीके से बताया, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, लिमिट x टेंड्स टू a पर करना हो तो बस a प्लस एच
ए माइनस एच निकालो, और याद रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 प्लस एच 0 होता है और 0 माइनस एच माइनस 1 होता है, बस। और बाद में एच की जगह 0 लग दो, ना लिमिट लिखना ना कुछ लिखना है। टेक्निक्स को थोड़ा सा वर्क करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। एफ एक्स इक्वल टू द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कुछ ऐसा दिया, एफ एक्स इक्वल टू 3 × x की पावर 5/3 −7 × x की पावर 2/3 इंटरवल इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, है ना। लॉजिक ये है, आप चाहो तो एक लॉजिक ये हो सकता है, ये 5/3 है, ये 2/3 है, तो छोटी और बड़ी वैल्यू के साथ। चलिए एक मिनट में कर लेते हैं। एफ डैश एक्स निकाला 3 × 5/3 x की पावर −1 करोगे तो 2/3 −7 × 2/3 x की पावर −1/3 यस और नो, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 × x की पावर 2/3 × x की पावर 1/3 −14/3 upon x की पावर 1/3। एक तरह से ये ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 5x −14/3 upon x की पावर 1/3 या 15x −14 upon 3x की पावर 1/3। तो 14/5 15, अब ग्रेटर देन 0 बोला है, इंक्रीजिंग पूछा है, तो 15x −14 > 0 यानी x > 14/15 x > 14/15। तो एक चीज ये हो गई हमारे पास। अच्छा दूसरी बात यह है कि −∞ to 0, ठीक है, देखिए ये आया हमारे पास रिजल्ट। अच्छा अपॉन में x की पावर 1/3 भी था, और जैसे आपको पता है कि −8 की पावर अगर 1/3 लिखे हम तो निगेटिव ही आएगा, तो हमको दो रूट्स मिलेंगे, हमको ऐसे इसमें दो रूट्स मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला, कि हमें दो चीज मिल गई एक तरह से, एक मिल गया 0, 0 नहीं लेना इंक्लूड, और एक मिल गया 14/15, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक भी पॉजिटिव रहेगा और फिर ये, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब आपको पूरा इसको ग्रेटर देन 0 देखना था। तो x की पावर −1/3 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 नहीं लेनी, वो 0 ली भी नहीं है, आप कोई निगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, जैसे आपने −5 रखा तो ये भी निगेटिव, और फिर प्लस के बाद ये रखा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 + iota upon 1 − iota की पावर m/2। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप देख के बता दोगे, −1 + iota की पावर n/3। आपको पता है इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, इन सब में एक चीज आपने नोटिस करी होगी, पावर 4 पर ये 1 हो जाता है, अभी आप करके भी देख लेना, तो इसका मतलब ये, और इसका रिजल्ट दिया भी 1, तो इसका मतलब पावर 4 पे 1 होगा, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर पूछा m और n का, तो 4 ही हो गया ना, कैसे, क्योंकि m की वैल्यू होगी 8, 8 होने पर ये 4 होगा, यहां पर n की वैल्यू होगी 12, जब 4 होगा, पर 8 और 4 का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर देखोगे तो क्या होगा, 4, खत्म। आपको ये चीजें याद आना चाहिए, एक्चुअल में क्या होता है, ये टाइम सेविंग फैक्टर्स होते हैं, अगर ये क्लियर होंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इस बात पे आप थोड़ा वर्क करिए, बहुत फायदा होगा इसका, नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज ये समझ में आएगी, आप अलग से करके देखो इसको, रेशलाइज कितने बार किया, 1 + iota² / 2, ये मिलेगा 2 iota, 2 से 2 कैंसिल, iota power 4 1, ऐसे इसको करके देख लो आप रेशलाइज, तो ये रिजल्ट ही 4 पर 1 आता है, तो हमें देसी 4 समझ में आया तो हमने 4 लगा दिया, क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर होगा, बाकी आप m और n की अलग अलग वैल्यू बोले तो 8 और 12 होगी, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एरिया का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी आते हैं इसमें, एरिया कभी भी पहले राउंड में मत लो। हाँ ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ना हो कि उस चक्कर में हमारे 2π − sin−1/5 sin−16/65 sin−5/13, ठीक है, एक चीज समझिएगा, अब इसको अलग से सॉल्व करते हैं हम, कभी भी याद रखिए कि साइन इनवर्स से फॉर्मूला लगाना, ये छोटे वाले पहले ले लो, हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, सबसे इजी होता है कि 10 में कन्वर्ट कर दो सबको सबको, तो ये 10 इनवर्स
ये 4 है ही, 25 माइनस 16 ये 3, ये टेन इनवर्स 5 बाय, एक मिनट, 5 बाय 13 था तो 5 बाय 12 हो गया, और ये टेन इनवर्स 16 तो ऐसे ही रहेगा, 65 माइनस ये आता है 63। थोड़ा याद होगा तो अच्छा, नहीं तो आप राइट एंगल ट्राइंगल से निकालोगे, ये 65, ये 16, 65 का स्क्वायर मेंटली कर सकते हो, 25, 76 या 42 एंड दिस इज 256, माइनस करके परफेक्ट निकालोगे। अब इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा, मत लगाओ एक्स वाई टेन इनवर्स का, आप सीधा पहले देखो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हर स्टेप को बचाने की आप कोशिश तो करना चालू करो, आप देखोगे बहुत आपको फायदा मिलेगा। ये 12 एलसीएम आया, 16 प्लस 25 बाय 12, 21 बाय 12 अपॉन 36 माइनस 20, 16 बाय 36, ये कैंसिल 3 टाइम, तो एक तरह से मुझे ये मिला टेन इनवर्स 63 बाय 16। और बेटा ये टेन इनवर्स 16 बाय 63 है, एक तरह से इसे कॉट इनवर्स लिख सकते थे, 63 बाय 16, तो ये दोनों मिलके पाई बाई टू। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा ही मिलेगा, तो ये कितना हो गया, 2 पाई माइनस पाई बाई टू, देन 3 पाई बाई 2 इज अ राइट आंसर। ओके, नोट करिए क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, अभी आते हैं इसमें, भी अभी आते हैं इसमें। ये क्वेश्चन ठीक है, ये ऐसा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स प्लस 1 डी वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, और वाई स्क्वायर था यहां पे, वाई स्क्वायर होगा, वाई बार वाई इंटू डी एक्स ऑल्सो पासिंग थ्रू 0 1, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, यहां डी वाई दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस ऑफ सी। एक्स की वैल्यू 0 पर वाई 1 दिया है, एक्स की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 1 रख दो, तो ये 0, एक्स की जगह 0 रखा तो 2, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस लॉग 2, ये वैल्यू यहां रख दीजिए तो आपसे जो रिजल्ट पूछा है वो पता चल जाएगा। तो माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन 2, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई इंटू लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स बाय 2। ये देखो बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया आंसर, यस और नो। यानी पहले आप सिंपल क्वेश्चन देख लो ना पहले, क्या जरूरी कि एकदम वो क्वेश्चन करूं जिसमें टाइम लग रहा है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड टचिंग द लाइंस एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 3। देखो एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 से एक साथ बात समझ लो कि दोनों के डिस्टेंस इक्वल है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि सपोज ये सर्कल है, इस तरह का एक सर्कल है जो कि ये 3 0 मान लो, ये 0 3 मान लो, ऐसा इससे जा रहा है एक बात, x इक्वल टू ये ऐसे टच करते हुए जा रहा है, ये हो गई y इक्वल टू 3 की लाइन, ये हो गई x इक्वल टू 3 की लाइन, ये 3 0 होगा बेटा। यहां पे कट करना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया डायग्राम, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये हो गया। तो ऐसा समझ लो कि इस ढंग से ये कट करता हुआ जाएगा। अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, डायमीटर पूछा है, जब आपको पता है कि ये पूरी लेंथ 3 यूनिट है क्योंकि y इक्वल टू 3 है तो यही डायमीटर है, तो बस लेंथ ऑफ सर्कल क्या आ गया 3। तो राइट डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपने आप ही आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, बाकी मेथड से करोगे तो थोड़ी स्टेप्स लगेंगे, हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आते हैं, क्या है, 0.16, 0.16 मतलब होता है 16/100 की पावर। अब पावर को हम अलग से कर लेते हैं, यानी एक तरह से 4/25 है ना, इसको बाद में सोचते हैं। 4/25 को चाहो तो 2/5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये सब हम बाद में सोचते हैं। पहले बताइए क्या दिया है, 1/3 स्क्वायर, ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका समेशन होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1/3, 2/3, 1/2 बचा, तो एक तरह से ये बचा लॉग बेस 5/2 इंटू 1/2। क्यों बेटा, अगर मैं बेस को ध्यान दूं, मतलब एक तरह से ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि मुझे ऐसा मिल गया माइनस
लॉग बेस 5/2 2, यस और नो? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2/5 की पावर 2 और ये एक तरह से है माइनस लॉग बेस 5/2 2। अब देखो इनके बेस सेम हो सकते हैं, अगर मैं माइनस का यूज कर लूं तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, 5/2 की पावर 2 लॉग बेस 5/2, यानी सीधा सीधा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो 4 इज अ राइट आंसर। एक फॉर्मूला याद रखिए, ए पावर एम लॉग बेस ए एक्स, अगर लॉग का बेस पावर का बेस सेम हो तो आंसर हमेशा ये होगा। कितने इजीली कर लिया, ये माइनस जो हुआ ना, देखो 2/5 की पावर एक तरह से सोचो -1, तो 5/2 की पावर +1, इसलिए उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो लॉग का बेस और पावर का बेस सेम बन गया। क्लियर? नोट करिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, पर जो छूटे हुए हैं वो करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैं थोड़ा छोटा कर दूं नहीं तो मेरे पास जगह नहीं रहेगी। इसमें बोला है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट जो है अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी और अल्फा बीटा है 2। ऐसे ही एक और इक्वेशन दिए बेटा, 2x² + 2qx + 1 = 0, इसके रूट 1/α 1/β, यानी 1/α + 1/β माइनस क्यू है क्योंकि 2q/2 और 1/α 1/β 1/2 है। ये रिजल्ट निकाल के रख लीजिए। आपसे पूछा है अल्फा -1/α, बीटा -1/β, अल्फा +1/β, बीटा +1/α। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए बेटा इसका इसमें, तो अल्फा बीटा -β/α -α/β +1/α/β, इन सब के रिजल्ट हैं। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा बेटा, अल्फा बीटा +1 + 1 + 1/α/β। बस अब वैल्यू भर पुट करनी है, कैसे वो बताता हूं। देखो अल्फा बीटा +1/α/β की तो दिक्कत ही नहीं है, इसमें से आप ऐसा लिख सकते हो बीटा स्क्वायर +α² / α/β। यहां पर भी ध्यान देना, बस कैलकुलेशन वाइज ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं। अल्फा बीटा +1/α/β + 2। अच्छा अब मैं अगर देखूं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, यहां पर भी ऐसा ही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 ही है, तो देखिए 2 + 1/2 माइनस α² + β² को अलग से निकाल के रख लें तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, α² + β² को ऐसा करूंगा, देखो α + β² होल स्क्वायर - 2α β / बस अपॉन कुछ नहीं, तो α + β कितना p² - 4 है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहां पर p² - 4/2। यहां आओ, फिर वही कितना 2 + 1/2 + 2, ये हो गया बेटा, ये कितना हो गया 4 + 1 5/2 - p² + 4। अभी वैसे ही रहने दो, चलो नहीं तो गड़बड़ नहीं कर दो, आप एलसीएम 2 ले सकते हो, तो लिख दो 5 - p² + 4/2 (9/2) राइट। तो एक तरह से ये हो गया 9/4 9 - p² होगा, कहीं 9/4 9 - p² तो क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा टाइम ले रहा था, पर इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं करना था, या फिर कोई ऐसी इक्वेशन सोचनी थी जिसके रूट्स इस तरह से निकले, एक के अल्फा बीटा तो उसके रेसिप्रोकल, वो भी एक तरीका होता है। डन, और कौन सा क्वेश्चन छूटा था वो देखते हैं। एक ये देखिए एरिया अंडर कर्व का छूटा था, एरिया वाले क्वेश्चन अक्सर थोड़ा टाइम लेते हैं, मैं कहूंगा बाद में कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो बताओ क्या होगा, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y = x² + 1 है और y = x + 1 है, देख लीजिए, ये x की वैल्यू 0 रखोगे तो ऐसा मिल गया और x की वैल्यू 0 रख दोगे तो इस तरह की लाइन मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, x + 1 = x² + 1, तो 1 और 0 तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे
वन कॉमा जीरो, 1/2 यहां कहीं होगा, तो ये एरिया निकालना है आपको। तो सिंपल पूरे एरिया में से 1/2 से 1 में लाइन का एरिया क्या है, एक्स प्लस 1 माइनस पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, एक ही बार में कर दो, टाइम बचेगा। 1 से 1 कैंसिल, ऐसा हो जाएगा 1/2 टू 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। करिए जरा सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 1 टू 1/2। करिए जरा सॉल्व, 1 रखिए, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/2 रखिए, 1/4 तो 1/8 माइनस 1/24 है ना, 1/8, 2 का क्यूब हो गया 1/8। हाँ ठीक है, अब इसका एलसीएम आ गया 3 माइनस 2 तो 1/6 माइनस 3 माइनस 1/24 तो 1/6 माइनस 1/12, 2/2। अब एलसीएम आ गया कितना, 12, तो कितना जाएगा बेटा, 2 माइनस 1 तो 1/12 है भी आंसर। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिएगा, है ना, और कोई तो नहीं छूटा है, देखते हैं। हाँ ये छूटा है, इसको भी कर लो, थोड़ा सा टाइम ले सकता था इसलिए छोड़ दिया था। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वेयर प्लस 2 ln cos x, डायरेक्ट लिख लो वो, ऐसा लिखा, टाइम बचाया करो हमेशा आप, इक्वल टू वाई या माइनस वाई इक्वल टू जीरो ले लो। पहला डेरिवेटिव बताओ, 2y इंटू वाई डैश प्लस 2 upon cos x माइनस साइन एक्स, 10x, तो माइनस का 10x, माइनस 2 tan x माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 रख दें तो y क्या आएगा देखते हैं। अब इसका इसका डबल करें तो क्या आएगा, 2 y का हुआ तो y डैश, तो 2 y डैश का स्क्वायर प्लस 2 y इंटू वाई डबल डैश माइनस 2 sec² x माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन आ गई, एक बेटा ये आ गई, बस काम हो गया। अब आपको f डबल डैश 0 पे बताना है, ये डबल डैश है। तो जैसे अगर मान लो पहले इसमें मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो y क्या मिलता है ये बताइए, अगर x की जगह 0 रख दूं कॉस 0 कितना हो जाएगा बेटा, 1, और लॉग 1 0। तो आपको एक तरह से अगर x की वैल्यू में 0 लूं तो सुनिए क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई, ओके, तो y की वैल्यू आएगी 0 और 1, है ना बेटा, मतलब कॉम्बिनेशन 0 0 का होगा और 0,1 का होगा। ठीक है, तो देखते हैं, मान लो मैं अब इसमें रख के देखो, x की वैल्यू को 0 रखो और उसके कंपेयर में y की रखो, अगर x की वैल्यू को 0 रख दें तो जहां जहां y आ रहा है, 2 इंटू ये तो y का y डैश हुआ, ये सीधे y डैश स्क्वायर, ठीक है पहले इसमें रख लो, तो 2 इंटू y की जगह मैंने रखा 0, तो ये 0 और ये भी 0, तो y डैश मिल गया 0। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू, सुनो बेटा, x की वैल्यू 0 रखते हैं और y की वैल्यू भी 0 रखते हैं इसमें, तो आपको y डैश जो है वो 0 मिलता है। x की वैल्यू 0 और y की 1 रखते हैं तो रखो y की 1, तो y डैश ऑलरेडी 0, ये 0, ये 0 और ये कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो, बस इसी पे मिलेगा। अब यहां आ जाइए, अब x की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो y डैश 0 है तो ये 0 हो गया। देखना आप दो केसेस होंगे, पहला x की वैल्यू 0 रखिए, यहां पर रखिए 0, तो 0 रखी तो y डैश 0, ये 0, y भी उस समय मान लो 0 ले रहे हैं हम, तो 0 हो गया, और sec 0 1 तो माइनस ऑफ 2 और माइनस y डबल डैश, ये बच गया बेटा। ठीक है, तो y डबल डैश 0 कितना आ रहा है ये बोल सकते हैं बेटा, वाई डैश 0 हो गया, या अच्छा यहां पर तो ये 0 हो गया, वाई की वैल्यू 0 ली आपने,
और यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो लिए तो वन हो गया, तो माइनस टू, तो वाई डबल डैश जीरो को वैल्यू माइनस टू आएगी, और अगर इसका मॉड ले लिया जाए तो टू आएगी, हो सकता है ऑप्शन ऐसा। अच्छा, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू वन लें तो क्या आता है वो देखते हैं। एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू वन लें तो ये आएगा टू इंटू वाई डैश, वाई डैश आप निकाल ही चुके हो कितना, पर वो वाई जीरो पे था, यही आंसर होना चाहिए बेटा। ये मुझे लगता है टू गलत, जीरो नहीं होगा यहां पर, टू होना चाहिए था, क्योंकि ये आ गया रिजल्ट, यही रिजल्ट होना चाहिए। वाई डबल डैश जीरो इक्वल टू माइनस टू, पर उसका मॉडुलस लोगे तो प्लस टू हो जाएगा। ओके, नोट करिए, और तो कोई क्वेश्चन छूटा नहीं था। यस, और कोई भी मैंने नहीं छोड़ा था, राइट। तो आप देखो, आपने पेपर कितने कम समय में सॉल्व किया, सॉल्विंग टाइम भी कम था, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने बताया, वैसे तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, पर थोड़ा भी जो टाइम ले रहा हो उसको छोड़ दिया करो, उससे ये फायदा होता है कि आप सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, अभी आने वाले दिनों में और भी पेपर है, और आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, तो ये सॉल्यूशन आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।